नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हम सभी जानते हैं बजट 2019 पेश किया जा चुका है और ये उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट कहलाया जा रहा है। इसमें हमारे किसानों के लिए साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई नई सौगातें हमारी सरकार लेकर आई है। तो क्या क्या नए नए प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन सी नई जो सौगातें हैं हमारे किसानों के लिए लाई गई हैं और क्या ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं हमारी सरकार द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, हमारे किसानों के विकास के लिए, आज हम आपको इन्हीं सब की झलकियां दिखाएंगे। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने किसान सम्मान निधि का ऐलान किया। छोटे और सीमांत जो किसान है उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। 6,000 की ये रकम 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में जाएगी और इससे 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। खास बात ये है कि ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर सभी किसानों को ब्याज दर में 2% की छूट, साथ ही समय से कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त रियायत, इस तरह ब्याज दर में उन्हें 5% की छूट मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2019 पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत्कर्ष को समर्पित है। मैं एक बार फिर हमारे मित्र अरुण जी को और पीयूष जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बजट कई मायनों में खास रहा है। लगातार सदन के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और पहली बार था जब बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगते रहे और पूरी तरह से एक उत्साह का माहौल सदन के अंदर ही बन गया था। और जहां तक बात हम करें गांव और किसान के लिहाज से, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उम्मीद से कहीं ज्यादा सौगात किसानों को इस बजट के जरिए मिली है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, एक बहुत बड़ी सौगात किसानों को मिली है, जिससे सीधे 85% किसानों का लाभ होगा। इसके साथ ही बजट भाषण के दौरान कहा है श्री पीयूष गोयल ने कि किस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की साख बढ़ी है, देश का आत्मसम्मान बढ़ा है, वहीं जिंदगी की जो गुणवत्ता है वो बढ़ी है, किसानों की आमदनी बढ़ी है। किसानों के लिए एक तरह से सरकार ने अपना खजाना खोल दिया और बहुत सारे ऐलान किसानों के लिए इसमें किए गए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे अब हम जानेंगे कि उन्हें ये बजट कैसा लगा, वो किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को। ढेर सारे किसान मौजूद हैं, 3 राज्यों के किसान यहाँ मौजूद हैं, 3 वरिष्ठ पत्रकार और बेहद ही जाने माने किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता
पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र सिंह जी, और सुन रहे हैं आपकी किस तरह से जो किसान है वो इस बजट के बाद अपनी खुशी जता रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस वक्त ये बजट भाषण पढ़ा जा रहा था, हमारे स्टूडियो में भी तीन राज्यों के किसान इस वक्त जो मौजूद हैं उनके चेहरे पर भी लगातार हमने खुशी देखी और तालियां गूंजती रही इस स्टूडियो में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बाद, क्योंकि किसानों से सीधे सीधे आप जुड़े रहते हैं और काफी समय से ये बात चल रही थी जो किसान हैं उनको एक न्यूनतम आय मिले ताकि उनके हाथ मजबूत हो, किस तरह से ये एक ऐतिहासिक एक तरह से ये घोषणा की गई है बजट में जिससे किसानों के अंदर हम काफी खुशी की लहर देख रहे हैं। सरकार की मंशा किस क्षेत्र में कितना बजट देते हैं उसकी प्राथमिकता तय करती है जी। मैं भी बहुत दिन से संसद में हूँ, किसान हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम देखता हूँ, देश भर में घूमता हूँ। पहली बार इस सरकार ने किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए जो 2 हेक्टेयर से ऊपर के किसानों के लिए सीधे उसके खाते में 6,000 का रुपया देने का फैसला किया है, ये बड़ा फैसला है। कृषि का विषय राज्य का भी विषय होता है, जहाँ राज्य सरकारों ने किसानों के लिए दिया है सीधे खातों में पैसा का ट्रांसफ़र किया है, उससे वो उन किसानों को तो दुगुना लाभ हो जाएगा और भी राज्य सरकारें इसे सबक लेंगी जी। दूसरी बातें मैं कह सकता हूँ किसान होने के नाते, इस बात बता सकता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में खेती की लागत जब कम हो जाती है तो किसान को लाभ होता है। बिल्कुल, खेती में लागत कम करने के लिए कई योजनाएँ इस तरह की आई है सरकार की जो किसानों की आर्थिक समृद्धि को बहुत ही बढ़ाएगी। लगातार हमारी चर्चा जारी है और लगातार हमारा जो पैनल है वो भी समृद्ध होता चला जा रहा है। कुछ और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका परिचय हम आपसे करा दें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब जो कि सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप सभी जानते हैं इनको। साथ ही सांसद श्री मुकेश राजपूत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पैनल में। और आपको बता दें कि डॉक्टर ए.के. सिंह उप महानिदेशक विस्तार ICAR भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा हमारी चल रही है कि किस तरह से ये जो बजट है 2019 वो गांव और किसानों के लिए एक तरह से बहुत ही अहम रहा है, क्योंकि बहुत ही अहम फैसले इस बजट में लिए गए हैं। निशंक साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप इस बजट को देख रहे हैं, खास तौर पे गांव और किसान के नजरिए से, क्या आप इसे एक गेम चेंजर की तरह देख रहे हैं इस बार को जो बजट आया है? इस बजट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत, ये जो गांव का भारत है वो किस तरीके का होगा, और उस गांव के भारत के इस बजट में जिस तरीके से गाँव के उत्थान की दिशा में अंतिम छोर तक के किसान के खेत की चिंता से लेकर के और उसके सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, उसका मनोरंजन से लेकर छोटी सी चीज़ के लेकर के और उसको 2022 तक दुगना तक हम लोग कैसे ले जा सकते हैं, उसको समृद्ध उसके पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। केवल उसको कुछ दे करके नहीं बल्कि उसको मदद करके उसी को सशक्त तरीके से बढ़ाने का जो ये मार्ग है, और गांव को इस सीमा तक विकसित करेंगे कि उनकी आत्मा, गांव की आत्मा को जीवित रखते हुए शहरों की सभी सुविधाएं गांवों में किसानों के लिए प्रदत्त की जाएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि आचूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन निश्चित रूप में ग्रामीण क्षेत्र का होगा, और इस बजट में चाहे वो सड़क का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का हो और चाहे पेंशन योजना का हो, चाहे किसानों की उनके उपकरणों पर छूट देने का विषय हो या किसानों को पेंशन देने का हो या उनकी आय, जैसे इस समय भी उनकी जो समर्थित मूल्य है उसका 50% बढ़ कर के समर्थित मूल्य किया, और 22 पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब 22 फसलों पर सरकार ने समर्थित मूल्य सुनिश्चित किया, और वो भी जितना उसका उत्पादन लागत है उससे 50% बढ़ा करके किया। तो ये समझिए कि गांव, किसान और देश,
इसमें इनमें आपको जय जवान भी, जय किसान भी, जय विज्ञान भी, और गांव और शहर को जोड़ करके गांव को शिखर पर पहुंचाने का जो ये अभियान है वो इस बजट, इससे खूबसूरत बजट शायद अभी तक भारत के इतिहास में संभवतः नहीं आया होगा, जितना हर वर्ग और हर क्षेत्र को इस बजट ने स्पर्श किया है और उसको बढ़ाने का काम किया है। जो गांव के हमारे अन्नदाता किसान हैं वो किस तरह से सोचते हैं इस बजट को लेकर, मुकुल जानना चाहूंगी कि क्या सांसद महोदय की बातों से इत्तेफाक रखते हैं यहां पर मौजूद सभी किसान, कि इस बजट में कोशिश यही की गई है कि गांव की आत्मा को जीवित रखते हुए उनके विकास के लिए प्रयास किए जाएं। बिल्कुल मोनालिसा, जैसा कि हमारे पैनल में जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका कहना कि कोशिश यही, कि एक चौतरफा भी अगर हम देखते हैं तो कोशिश यही की गई है, जो गांव की बात की जाती है, किसानों की बात की जाती है, उनसे ये जुड़ा रहे, प्राथमिकता लगातार हम देखते हैं किस तरीके से किसानों को दी जा रही सरकार में, जो किसान है उनसे हम जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की जो प्रतिक्रिया आपकी रही अब तक जो बजट आया? यही जो पेंशन बंदी है लोगों की, ये जो 6,000 का जो बेनिफिट मिल रहा है यही है अच्छा, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस बार क्योंकि लास्ट बजट है इस सत्र का जी, तो लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि नई शुरुआत हुई है इस बजट। हाँ, शुरुआत है। चलो अच्छा, देखिए नई शुरुआत जो है इस बजट में, इस बात से जो किसान है वो इनकार नहीं कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, पीयूष जी का धन्यवाद करूंगा, और मैं कहूंगा कि ये जो बजट है ये रामराज बजट है। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने सभी को साथ लेकर चले, उसी तरीके से प्रधानमंत्री का बजट बहुत अच्छा है, गरीब के लिए, किसान के लिए, और जो किसान भूमिहीन है उसके लिए भी जो क्रेडिट कार्ड की सुविधा करी है वो बहुत अच्छी है जी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से काम करते रहें और प्रधानमंत्री जो दोबारा आए। चलिए बिल्कुल, देखिए जो किसानों का कहना यही है, सबका साथ और सबका विकास। मोनालिसा, अगर इस बात को हम देखते हैं, जिसका आप जो हमारे किसान हैं उनका भी यही कहना, सबका साथ सबका विकास, लगातार इस बात को हम देखते आ रहे हैं और खुद जो किसान है इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुकेश राजपूत जी भी हमारे साथ मौजूद है, बताइए मुकेश राजपूत जी, आप इस बजट को किस दृष्टि से देखते हैं गांव और किसान के लिहाज से? ये बजट आज जो पेश हुआ है, ये बजट देश आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष हो गए, पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐसा बजट पेश हुआ है जिसमें विशेष करके किसानों के लिए उन्हें एक वर्ष में 6,000 रुपये, जो 2 हेक्टेयर ज़मीन जिनके पास होगी उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक उनके खाते में जाएगा। दूसरा ये है कि जो भी हमारे किसान हैं उपकरण लें, या बीज है, सीड है, खाद है, उसमें भी काफ़ी सब्सिडी मिलेगी। और दूसरा ये है कि यदि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो पैसा लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो उसमें भी उन्हें पहले 2% सब्सिडी मिलती थी, अब 3% और सब्सिडी भी मिलेगी। चाहे वो एक इसी में कृषि में हमारे हिंदुस्तान पूरे विश्व में मत्स्य पालन में भी विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, इसमें करीब 1.25 करोड़ लोग किसान इसमें जुड़े हुए हैं। इन लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए एक मत्स्य विभाग भी घोषणा की गई है, आज मत्स्य विभाग भी आगे चल के बनाया जाएगा। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ये बजट पूरा पूरा किसानों के लिए, पूरा पूरा नौजवानों के लिए, और पूरा बजट हमारे जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो सबके लिए ये बजट आज का पेश हुआ है। एक तो इस देश में ऑर्गेनिक का प्रचलन बढ़ रहा है, तो क्या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जैसे दुनिया के बाकी देशों में होता है कि हम अभी तक सिर्फ रॉ मटेरियल या कमोडिटी तक ऑर्गेनिक की बात करते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक फूड एक सेपरेट कैटेगरी बन सकती है जिससे किसानों को और कंज्यूमर्स का प्रीमियम मिल सकता है? और दूसरा जो एक सवाल अक्सर उठता है जब आप कंज्यूमर से बात करते हैं कि वो अक्सर जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वहाँ अट्रैक्टेड होते हैं, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री है जिस पर भारत सरकार का काफ़ी प्रयास रहता है, वहाँ पर उतना उनको कस्टमर अट्रैक्शन या अटेंशन नहीं मिल पाता है। इन दोनों के ऊपर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का क्या सोच है इसके बारे में? जी, आज की तारीख में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को प्रमोट करने का दायित्व एपीडिया के पास है, और वो इसको ट्रेसेबिलिटी स्टडीज़ के माध्यम से फॉरेन मार्केट में प्रमोशन का दायित्व और बजट उनके पास रहा हो। हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस और इक्वल प्रायोरिटाइजेशन दी जाती है। लेकिन आपने जो कहा कि छोटी इकाइयों को प्रमोट करने के लिए
इस वक्त प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में मजोरी मीडियम स्केल इकाइयों को ही असिस्टेंस दी जाती है, लेकिन एक वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से 3,000 करोड़ का 5 साल का एक वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, बहुत ही एडवांस स्टेज पे है, जिसके अंतर्गत छोटी इकाइयां, विशेषकर छोटी इकाइयां जिसके कि प्लांट और मशीनरी में 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो, इन इकाइयों को 5 लाख तक की सब्सिडी देके, इनको हैंड होल्ड करके, ट्रेनिंग करके, मार्केट में एक्सेस देके, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स वगैरह के माध्यम से उनको प्रमोशन दी जाएगी। इनपुट के बगैर जो आज हम नए तकनीकों की बात करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर है, सीड्स हैं और जो नई तकनीकें आ रही हैं, आईटी एप्लीकेशन भी एग्रीकल्चर में आ रहा है, तो फर्टिलाइजर इज़ ए बूस्टर। जो हम फूड सिक्योरिटी की अगर हम अक्सर बात करते हैं, जो हमारा उर्वरक है, इसमें आने वाले समय में, क्योंकि किसानों का एक तरफ हमें ऑर्गेनिक भी हम जोड़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमने 1,70,000 करोड़ खाद्य सुरक्षा के लिए रखा है, और खाद्य सुरक्षा अभी तक जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ इंसानों की बात करते हैं, लेकिन करीब 1 अरब से ज़्यादा आबादी पशुओं की है इस देश में, उनको भी खाद्य चाहिए। अगर हमें अच्छा डेयरी प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा मीट प्रोडक्शन चाहिए, एग प्रोडक्शन चाहिए, एक्वाकल्चर चाहिए, उनके फीड एंड फॉडर की भी हमें रिक्वायरमेंट है, तो जिस तरह से हमारी डिमांड बढ़ रही है फूड एंड फीड की, उसमें जो एग्री इनपुट सेक्टर है, खासकर फर्टिलाइजर और एलाइड एक्टिविटीज जो है इनपुट साइड की, उसमें आप क्या बदलाव देख रहे हैं आने वाले समय में? जो सवाल पूछे है बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 3 पहलू है। एक पहलू है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जैसे फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर और इरिगेशन को मिक्स करके, उसके साथ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इस्तेमाल होने लगा जी। तो ये तरीके से कम इनपुट भी इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, ये तो एक तरीका है नए टेक्नोलॉजी की। दूसरा है कि आप ऑर्गेनिक की बात किए, जैसे हमारे मंत्रालय तरफ से हमें जो जैविक खाद है उनके लिए हम 1500 रुपये पर टन दे रहे हैं मार्केटिंग असिस्टेंस, तो ये बढ़ावा हम दे रहे हैं। बट उसमें भी और एक दिशा आएगा जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे किसान या दूसरे प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक एग्रीकल्चर महकमा से और हमारे महकमा मिलके एक इसका स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे हैं, कुछ हद तक बना है, बट ये बहुत सारे विभिन्नता आएगी जी। और उसी को स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है, ताकि किसान भाइयों की थोड़ा उनका इसमें अश्योरेंस होगा कि ये जो जैविक खाद दे रहे हैं ये सही है और ये उत्पादन बढ़ाएगा। बजट 2019 पेश किया जा चुका है और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी मौजूद हैं। आइए, किस तरह से ये गांव और किसानों के लिए खास माना जा सकता है बजट, इस पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे बजट 2019 कैसे हमारे किसानों के लिए खास मान सकते हैं या फिर गाँव के विकास के लिए कैसे खास मान सकते हैं? देखिए, मोदी सरकार आने के बाद आप उसके एक एक बजट को देखेंगे तो हर बार का बजट गांव और किसान के लिए समर्पित रहा है। मोदी सरकार के पहले भी जो सरकार थी उसके बजटीय आवंटन को देखेंगे तो मोदी कार्यकाल के पिछले 5 बजट को देखेंगे तो 2 गुना था। और सबसे बड़ा तो प्रमाण है कि इस बार का जो बजट है वो 1,41,000 करोड़ का, और UPA सरकार के 5 साल को जोड़ेंगे तो 1,21,000 करोड़ का बजट। यह हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार आने के बाद एक से एक योजनाएं बनाती रही। पहले हमारी योजना उत्पादन केंद्रित थी, फिर आय केंद्रित योजनाओं का निर्माण हुआ, क्रियान्वयन हुआ, उसके परिणाम प्रकट हो रहे थे। लेकिन पूरे देश दुनिया में मंदी का दौर और फिर फसलों का पूरा कीमत न मिलना, ये जो छोटे किसान है देश के अंदर 12.5 करोड़, उनको और मजबूती प्रदान किया जाए, उनको और सशक्त बनाया जाए, इसीलिए हमारे कैबिनेट ने आज मंजूरी दी और बजट में भी प्रावधान किया गया, घोषणा की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और ये 1 दिसंबर 2018 से लागू होगा, 31 मार्च के पहले वित्तीय वर्ष 2018-19 के भी अंतिम 4 महीने का ये 2,000 रुपया किसानों के खाते में जाएगा,
और वर्ष 19-20 यानी 31 मार्च के बाद से प्रतिवर्ष 6000 रुपया किसान के चार चार महीने के अंदर तीन किस्तों में जाएगा। तो किसानों के लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने उठाया है और देश के प्रधानमंत्री ने पूरी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में बिताया है, गांव गली गलियारों में खेत खलिहानों के मेड़ पर बिताया है और इसीलिए प्रधानमंत्री बनते ही किसानों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर उसके उसको सशक्त बनाने का जो नींव रखा था उसी नींव को भव्य इमारत की ओर ले जाने की दिशा में सार्थक पहल इस बार के बजट में की गई। फिलहाल विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। बजट 2019 की कुछ अहम झलकियां हम आपको ब्रेक के बाद भी दिखाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। बजट का गांव और किसान से कैसा रहा वास्ता, कैसे निकला खुशहाली का रास्ता, डॉक्टर अशोक दलवाई करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बात संवाद सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, शनिवार 2 फरवरी सुबह 11 बजे और सोमवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि बजट 2019 पेश किया जा चुका है और आज हम उसी की कुछ अहम झलकियां आपको दिखा रहे हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, मछली पालन के लिए अलग विभाग बनेगा, पशु पालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने पर ब्याज दर में 2% की छूट दी जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज सेक्टर आल्सो नीड कंसीडरेबल सपोर्ट। आई हैव इंक्रीज्ड द एलोकेशन फॉर राष्ट्रीय गोकुल मिशन to 750 crores in the current year itself. I am also very happy, Madam Speaker, to announce the setting up of Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. The Ayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows. समय पर भुगतान करने वालों को 3% की अतिरिक्त छूट देने का भी ऐलान। एक वर्ष के बदले पूरा जो समय रिशेड्यूलमेंट का है पूरे समय उनको 2% और समय पे नए समय पे वापस देने पे 3% और यानी 5% ब्याज में उनको छूट मिलेगी। मनरेगा के तहत बजट राशि बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए की, जरूरत पड़ने पर और भी रकम मुहैया कराने का भरोसा दिया। मनरेगा के लिए भी बजट एस्टिमेट 2019-20 में 60,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर और भी धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 15,80,000 बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ा गया, इस मद में 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन। गांवों की आत्मा को बरकरार रखते हुए गांवों को भी मिलेंगी शहरों जैसी सुविधाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 साल में बने 1,53,00,000 मकान, ये पहले की संख्या से 5 गुना अधिक हैं। 1,53,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने इस देश में मात्र 5 वर्ष में बनाए, जो पहले के मुकाबले 5 गुना है। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक घरों तक मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन। सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाए। हमारी चर्चा को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर ए के सिंह, आप बता रहे थे कि किस तरह से एक्सटेंशन की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में अदा करेगी, क्योंकि जो नॉलेज है वही पावर है और तमाम तरह की बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन ये सारी जानकारियाँ और इस जानकारियों का लाभ कैसे ले किसान, इस बात की उन्हें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई प्रश्न पूछे गए, एक तो क्वालिटी एश्योरेंस का था कि क्वालिटी एश्योरेंस का ज्ञान किसानों के पास कैसे जाएगा जी।
क्वालिटी एश्योरेंस में मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि विभिन्न बाज़ारों की मांग अलग अलग है। जैसे यूरोप का क्वालिटी एश्योरेंस दूसरा होगा, अमेरिका का दूसरा होगा, भारत का दूसरा होगा। जिस बाज़ार में हमको जो प्रोडक्ट बेचना है, बासमती राइस है या कोई और उत्पाद है, मैंगो है आपका, यदि बेचना है तो वहाँ के बाज़ार की ज़रूरत क्या है वो देखना पड़ेगा आपको जी। और किसान हमारे बहुत सारे जागरूक भी हैं, खास करके जो बासमती के किसान हैं पूरे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा और पंजाब के, वो जानते हैं कि यूरोप में कौन सा धान उगाएंगे या कौन सा रसायन लगाएंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। कई बार हमारे कंटिजेंट जाते हैं, वापस आ जाते हैं वहाँ से, और उसका बड़ा कारण यही है कि कुछ रसायनों पर पाबंदी लगाते हैं वो, और कई बार पाबंदी इसलिए भी लगाते हैं कि हमारा पदार्थ उनके यहाँ न बिक पाए। ये भी एक व्यापार का तरीका होता है कि वो अपने बाज़ार को नहीं चाहते कि आपके जो धान है चाहे जो ज़्यादा बहुतायत में आप पैदा करते हैं उनके यहाँ जा करके बिके ज़्यादा, इसलिए भी वो प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये नहीं है कि हम गुणवत्ता के जो मानक है अपने देश में वो हम पालन नहीं करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स के से हम पालन करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यूरोप ने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए, अमेरिका ज़्यादा शिथिलता बरतता है भारत के जो भी प्रोडक्ट्स है लेने के लिए, क्योंकि दूर है वहाँ हम कम बेच पाएंगे। यूरोप में यही आ रही है कि यही जानकारी तो किसानों तक पहुँचनी है कि अगर किसान एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ये कानून है, अगर प्रोसेसिंग में जाना चाहता है तो ये तरीके हैं, अगर ऑर्गेनिक करना चाह रहा है तो ये तरीके हैं, पैकिंग करके बेचना चाहता है तो लेबलिंग गाइडलाइंस ये हैं। तो मेरा वही निवेदन था कि क्या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट आज हमारा सक्षम है कि जो भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार चाहती है किसानों को दुनिया के सबसे आगे पायदान पर रखना, क्या हम उसके लिए सक्षम हैं? यही एक चिंता की बात आती है, क्योंकि अक्सर किसान भाई कहते हैं कि हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए, कोई गाइड तो करे। मैं मल्होत्रा साहब को यहाँ लेना चाहूँगा। सर, आप जब ये प्लानिंग करते हैं एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को लेके, तो आप लोगों ने बहुत प्रयास किए, एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने पल्सिस की है, और बहुत कुछ आप कर रहे होंगे, दालों तिलहन पे बहुत बड़ा इस समय प्रेशर है, बहुत आयात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी जब आती है तो क्वालिटी और वैरायटी को लेके बात आती है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हम इस देश को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं इस बाज़ार से, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आगे निकलने के लिए? पहले तो मैं इस बात के लिए मैं अपने सब किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला वर्ष था अपने आप में रिकॉर्ड उत्पादन का वर्ष था, तो ये सब किसानों के सहयोग से हो पाया, और इन किसान भाइयों ने जो है भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाएं हैं उनका जो है लाभ लिया। तो जब भी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट मार्केट की, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसका दूसरे तरीके से है, और हमें अपने देश की अपनी मंडी के लिए जो उत्पादन करना है वो हमारे पास उसके लिए दूसरा तरीका है। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सीधे से मापदंड है, और वो मापदंड जो है उनको अपना करके जो है उनका उत्पादन हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसमें सेफ उत्पादन कैसे जाए उस बात पर भी जो है चर्चा हो रही है। मैं उसी पॉइंट को साथ में जोड़ते हुए लाना चाहूँगा कि जैसे ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो पीजीएस सिस्टम जो हम लोगों ने पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में जो हम लोगों ने किसानों को अपनी भागीदारी उसमें रखी है, किसान अपने ही किसानों के जो समूह हैं उनका जो एक प्रकार से सर्टिफिकेशन में भागीदारी करेंगे और वो सहयोग करेंगे, तो वो जो उत्पादन है वो उसके लिए भी हम लोगों ने एक पायलट योजना तैयार की है, और सफल को मदर डेयरी को हम लोगों ने साथ जोड़ा है कि उनके आउटलेट पर जितने ऑर्गेनिक के उत्पाद हैं जो पीजीएस सिस्टम के सर्टिफिकेशन के माध्यम से आए हैं उनको जो है वहाँ बेचा जाएगा। अभी पायलट स्केल पर हम लोगों ने इसको चिन्हित किया है। दूसरी बात करते हैं, ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक की, उसके अलावा बिना ऑर्गेनिक वाले जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जितनी अच्छी कृषि की पद्धतियां हैं उनको हम कैसे अपना करके जो सुरक्षित उत्पादन है कृषि का उसको कर सकें, उसके लिए अभी तक कहते हैं कि हमारे पास यूरो गैप है, ग्लोबल गैप है, एक्सपोर्ट की बात के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अपने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित उत्पाद कैसे हो इस पर जो है इंड गैप अभी बना है, और कृषि मंत्रालय उस पर भी चर्चा कर रहा है कि उस इंड गैप को हम कैसे जो है हार्मोनाइज करें और यूरो गैप के साथ, और वो जो उत्पादन यहाँ भी हो वो भी सुरक्षित हो, उसके लिए भी हम लोगों ने सफल के को जो है एक प्रकार से उनको कहा है कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ आए, जो किसान हमारे जो उत्पादन करते हैं उनको हम उस सफल के जो आउटलेट बने हुए हैं जहाँ पर फल और सब्जियाँ और दूध जहाँ भी
बिकता है वहां पर जो है इस प्रकार के उत्पादकों को भी जो है लाया जाएगा। अरविंद जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि यहाँ पर काफी चीजों के बारे में बातचीत हो रही थी कि बजट में जो कुछ है वो किस तरह से किसानों के लिए बेहतरी का रास्ता तय करती है, और ये भी बात हो रही थी कि जो वैश्विक बाजार है उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचना जरूरी है ताकि जो वो अपनी खेती किसानी करे या कि वैल्यू एडिशन में जाए या किसी भी इस तरह के उपक्रम से अगर जुड़ते हैं तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि वैश्विक बाजार आखिर चाहता क्या है। और ऐसे में मार्केट इंटेलिजेंस का रोल बहुत ही अहम हो जाता है, और हमने देखा है कि इस सरकार का ध्यान मार्केट इंटेलिजेंस पर भी जा रहा है, और यहाँ तक कि पीयूष गोयल जी को भी हमने मार्केट इंटेलिजेंस पर बोलते हुए सुना। आपकी राय? निश्चित रूप से बाजार के बगैर किसान का भला नहीं होना है, लेकिन बाजार इंटरनेशनल हमारे भले में आएगा ये मुझे अभी भी शक है, क्योंकि गेहूं और चीनी का रेट अगर आप यहाँ का और दुनिया का देखेंगे तो आधे से ज़्यादा का फर्क है। तो ये बाजार हम कहीं ले जाके अपना गेहूं और चीनी बेच पाएंगे इसकी गुंजाइश कम है। तो एक तो यही कि प्रोडक्ट को किस तरह से दूसरी तरफ ले जाएं अपने कंजम्पशन के लिए, और गेहूं धान से ऊपर उठा के किसान को, जैसे अभी चर्चा हम सब लोग करते रहे हैं कि मछली पालन पे अभी मछली के लिए अलग विभाग बना दिया गया बजाबता, पशुपालन पे चीज़ों को ले जाएं, तो वो एक चीज़ होगी। और दूसरा यही कि जो बाज़ार इसका उपलब्ध है अपने यहाँ और बाहर, उसको हम किस तरह से ट्रैप करें, तो अगर सरकार इस पर ध्यान दे रही है तो ये अपने आप में स्वागत की बात है। और सरकार के सामने भी ये फैक्ट हैं कि गेहूं और चीनी और चावल जैसी चीज़ें हम विदेशी बाज़ार में बहुत ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो हमको दूसरी तरफ ले जाना होगा। अगर मंत्री अपने बजट भाषण में इन चीज़ों की प्रधानता रखते हैं तो मेरे हिसाब से ये स्वागत की चीज है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर श्री केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं, सांसद हैं और महासचिव जनता दल यूनाइटेड के, और इसके साथ ही सांसद महोदय श्री हरनाथ सिंह यादव जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो हरनाथ सिंह यादव जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, बताएं इस बजट की खास बातें जो आपको नजर आई। देखिए, यह जो बजट आज आया है, प्रत्येक वर्ग ने इस बजट का स्वागत किया है जी, और मैं आदरणीय मोदी जी को इसका श्रेय देना चाहता हूं। आज किसी भी, चाहे राजनीतिक दल के होंगे या अन्य क्षेत्रों में काम करते होंगे, किसान हर एक के एजेंडे में है और यह एक शुभ लक्षण है जी। लोग ये मान के चलते हैं कि किसान के बिना देश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी जी। दूसरे, हम जब किसान की बहबूदी के लिए, उसकी ताकतवर बनाने की चर्चा करते हैं तो हम उसके उत्पादन की चर्चा करते हैं, उसके उत्पादन, जो चीज़ उत्पादन किया है उसकी बिक्री की चर्चा करते हैं, बेचने। मैं इसी के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि किसान का उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसका उसकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए, इस सत्य, लेकिन किसान के उसकी जिंदगी से जुड़े हुए जो अन्य खर्चे हैं वह भी कम होने चाहिए। इसी बात को आगे ले चलता हूँ, त्यागी साहब हमारे साथ हैं। हमें इस देश के गांव को स्वावलंबन की ओर ले जाना, बहुत सारी बातों में कहा कि भाई हम जो भारत है, भारत की ताकत गाँव है, और जब गाँव स्वावलंबी होगा तो देश स्वावलंबी होगा। त्यागी साहब, इसमें जो हम बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और आज जो पूरा केंद्रित दृश्य है वो आता है गांव, रोजगार, और जो हमारा ग्रामीण विकास है और उसकी जो आधार है किसान, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। आपके हिसाब से ये जो बजट आया है इस बार जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, ये उस दिशा में कहाँ तक सार्थक होगा, और क्या हमें लगता है कि आने वाले 4-5 साल में जब इसके आउटपुट आने लगेंगे तो ये देश का विकास, देश का स्वरूप क्या होगा? बजट से किसानों को कुछ फौरी तौर पर राहत मिले और ये किसानों की तकदीर बदल दे, मैं ऐसा नहीं मानता। इससे ग्रामीण भारत में किसानों में एक नई चेतना का जनसंचार हुआ है, ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ। लेकिन जो सदियों की बदनसीबी है गांव के लोगों की, जब हम पैदा होते हैं गांव में तो हमें बताया जाता है कि भाग और भाव, नसीब और भाव किसान का, ये भगवान तय करता है। हम दिल्ली में आए तो पता लगा कि सारी चीज़ें दिल्ली में तय होती हैं, हमारा भाग भी यही तय करते हैं और हमारा भाव भी यही तय करते हैं।
मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ लोकदल में रहा हूँ, उस समय कभी बचपन में हम नारा लगाते थे कि जो किसान हित की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो एक तो मुझे प्रसन्नता ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डिस्कोर्स है, जो चिंतन है, उसमें किसान आ गया है। लेकिन ये सालों बाद हुआ है कि किसान की जो बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। जी, नंबर एक। नंबर दो, हमने आर्थिक जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, उसके 25 साल मना लिए। अगर 91 से आप शुरू करते, जो तथाकथित समृद्धि है उसमें भी समृद्धि के कुछ टापू बने। संपूर्ण भारत का विकास एक साथ हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और ये एक बजट से नहीं होगा। 1947 से आप आइए, जो भारत की जीडीपी थी उसमें कृषि का लगभग 50% के विद्वान लोग बैठे हैं, हिस्सेदारी थी। आज 13-14% की हिस्सेदारी रह गई। तो प्राथमिकताओं की भी अदला बदली करनी पड़ेगी आपको। सरदार पटेल से लेकर के और स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर के चौधरी चरण सिंह तक, और अब इस सरकार में भी जो प्राथमिकताओं की अदला बदली के लिए चिंतन शुरू हुआ है। दूसरा, मैं भाव पे भी आना चाहता हूँ जी। आप इसको और चीज़ों की तरह से इसको भी एक बनाइए कि जो जिस किसान की फसल का जो MSP तय हुआ, यद्यपि MSP पे मेरा डिसएग्रीमेंट है, पूरा तय नहीं होता है, लेकिन चलिए जो MSP तय हो गया, जो चीनी मिल, जो FCI का गोडाउन, जो प्राइवेट बायर उसके मुताबिक नहीं देंगे उसको सजा होगी और वो जेल जाएगा, अगले दिन से किसान को MSP मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। गन्ने का दाम 280 रुपये क्विंटल तय हुआ है। मुकेश जी से मैं लेना चाहूँगा कि जो त्यागी साहब कह रहे थे कि किसान तक जानकारी पहुँचे, किसान जागरूक हो, उसको पता रहे कि जो सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं वो उस पर ध्यान दे और देखे कि उसका एंट्री बराबर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र की बात हो रही है अब तो, उसका अकाउंट दर्ज है नहीं है, उसका अकाउंट की खातेदारी में एंट्री हुई या नहीं हुई। आप क्योंकि जन समर्थन से आते हैं, पॉलिसी मेकिंग में आते हैं, और किसान आपसे ये उम्मीद करता है कि आप इस तरह की कार्रवाई करें। अब आप लोगों ने कर दिया, अब ये जानकारी गांव तक ले जाएं, एक एज ए MP MLA इसके लिए क्या प्रयास होगा, या सरकार या MLA MP अपने लेवल पे क्या प्रयास करेंगे ताकि सही जानकारी किसानों तक पहुंचे और वो उसका फ़ायदा उठा पाए। देखिए, आज बजट में घोषणा हुई है, और आज के युग में मैं देखता हूं कि यहाँ जो भी दिल्ली में बात होती है वो दूसरे दिन किसान के पास पहुंच जाती है। मैं देखता हूं कि कोई बात यहाँ सदन में होती है, वो सदन में बहुत से लोग, हमारे किसान लोग भी, हम गांव में जब जाते हैं तो बताते हैं। अब हम लोग बड़े ताज्जुब में रह जाते हैं कि हम दिल्ली से आ रहे हैं और किसान के पास पहले आ गई। वो आजकल आदमी इतना, हर नौजवान सब मोबाइल पर नेटवर्किंग से जुड़ गया है, सोशल मीडिया से जुड़ गया है, तो हर आदमी जान रहा है। दूसरा, हर किसान के खाते खुल चुके हैं, हर गरीब के गरीब आदमी का खाता खुल चुका है जनधन योजना के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में, या वित्त मंत्री जी ने बजट में आज ही व्यवस्था की है। लेकिन जनधन योजना के माध्यम से हम लोग गाँव-गाँव में गए, बैंकों के भी बीच में बैठ के मजरों में जाके लोगों को बताया और खाते खुलवाने का प्रयास किया हमारे अधिकारियों ने भी। इतने 31 करोड़ परिवारों में हुए लोगों के बैंक के खाते खुले हैं, तो ये खाते खुल गए। इसीलिए खाते पर जोर दे रहे थे हम लोग 1.5 साल से बराबर जनधन योजना के माध्यम से, तो खाते खुल गए। अब इसमें पैसा ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा और किसान को जब खाते में जाएगा उससे पहले ही लोगों को जानकारी हो जाएगी कि ये माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा किसानों को उन्हें एक वर्ष में 6,000 रुपये सब्सिडी के रूप में या उसे दिया जाएगा, जिससे वो कम से कम इसमें अपना बीज है, दवा है, और जैसी कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें उसका परचेज कर सकें। और किसान जिस तरह से हताश निराश होता था, आज ये 6,000 रुपये है, ये अंतिम नहीं है जी। आगे चल के ये बढ़ेगा, आज ये शुरुआत है। शुरुआत के लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है, आगे चल के पहली बार सरकार ने ऐसा सोचा है। अब वही मैं किसानों के बीच में चलते हैं। मुकुल जी, आप जरा किसानों से ये पूछिए कि इतनी सारी घोषणाएं हो गई जी, बिल्कुल, और इतना बड़ा बाजार है, देश भी अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, अब इस सारी अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए आज हमारा किसान लालायित है, तैयार है जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक एप्रिहेंशन होता है कि इसका फायदा हम कैसे उठाएं, कहीं टेक्नोलॉजी चाहिए, कहीं जानकारी चाहिए, कहीं कुछ बाजार चाहिए।
तो जरा अपने किसान भाइयों से ये पूछिए कि उनको अब ये घोषणा सबके सामने है, अब जब कल वो अपने खेतों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, सबसे पहले वो किस लेवल पे काम करने की कोशिश करेंगे ताकि इन घोषणाओं का फायदा उठे? क्या उनको सपोर्ट चाहिए टेक्नोलॉजी से, रिसर्च से, ICR से या बाकी संस्थाओं से? जरा पता करेंगे तो शायद नीति निर्माताओं को भी वो जानकारी सामने आएगी। बिल्कुल, और जैसा आपने यहाँ कहा विजय जी, क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि उनका नंबर आखिरकार कब आएगा, क्योंकि लगातार जो चर्चा है उसको भी वो यहाँ सुन रहे थे। कुछ किसान हैं उनसे हम जान लेते हैं, जैसा कि अभी उधर से सवाल आया कि किस तरह की, क्योंकि अब जो बजट में घोषणा भी हुई है, किस तरह की स्थिति आप आगे देखेंगे, किस तरह की चुनौतियाँ भी लगती हैं आपको आगे रहेंगी? देखिए सर, हमारे यहाँ पहले आयुष्मान, जो भी त्यागी जी ने बताया, आयुष्मान भारत वाली वो तो है जी, तो काफ़ी कई योजनाएं हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक योजना की जानकारी है, वो भी जो ग्रीन कार्ड बनता है बस, उसके अलावा हमारे किसानों को हमारे 12-14 गांव में कोई जानकारी नहीं, यानी योजना की जानकारी नहीं, किसी को नहीं है, ना कोई बताने वाला। चलिए, कोई देखिए जानकारी जो है उसको कोई बताता नहीं है, हालांकि जिम्मेदारी जो है वो सबकी तय की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अनदेखी की जाती है। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जी, बजट बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, 6000 रुपए जो दिया है बहुत अच्छा किया ये तो जी, लेकिन ये भी थोड़ा है जी, बाकी इसको इसमें भी इजाफा होगा, लेकिन जो मूल बात इन्होंने कही कि अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो जो अलग अलग माध्यम है, कृषि विज्ञान केंद्र जो कि एक बेहद ही मजबूत कड़ी मानी जाती है हर एक जिले में, वहां पर थोड़ा सा और शायद हम कह सकते हैं कि वहां पर मजबूती आनी चाहिए। कुछ और भी यहाँ किसान है, उनसे भी हम जान लेते हैं, अनुभवी किसान है यहाँ पर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मूल मिले वो बाजार में मिले जी, वो बाजार में हम ले जाते हैं, वो मनमानी पैसे लगाते हैं जी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हूँ। तो आपको लगता है बाजार की और जानकारी मिलनी चाहिए? बाजार की पता होना चाहिए हमको जी, अब क्या भाव है, क्या है, मिल रहा है, लेकिन वो हमको मिलता नहीं, वो भाव नहीं मिलता नहीं। चलो बिल्कुल, देखिए तकनीकी अगर बात हम करते हैं, और विजय जी आपने कहा भी था कि मार्केट इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, अब बाजार की में किस तरह की स्थिति चल रही है उसको भी जो किसान है अगर जाने तो बेहतर रहेगा। और कुछ एक जो किसान है उन्होंने यहाँ पर बताया भी कुछ, और यहाँ किसान है इनसे भी हम जान लेते हैं। बाजार की अगर बात कीजिए, आपको लगता है कि बाजार में किस तरह की और चुनौतियाँ रहती हैं? घोषणाएँ तो आती हैं लेकिन फायदा इनका कितना किसानों को मिल पा रहा है? गवर्नमेंट कुछ भाव तय करती है और वहाँ बाजार में जाके खरीदार लोग मनमानी करते हैं जी, निश्चित भाव हमको नहीं मिल पाता। चलिए बिल्कुल, जो इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो सही भाव तय करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं, जिला स्तर पर देखते हैं, वहाँ पर शायद इस तरह की जो अनदेखी है वो की जाती है। कुछ और भी किसान है पीछे, इनके पास हम चलते हैं। जी, मेरा ये निवेदन है कि बजट का संकेत तो बहुत अच्छा है, लेकिन बजट को ठीक ठीक तरीके से अप्लाई करने के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट है और धरातल जो परिवेश है पूरा पूरा, उसमें रिसोर्स पर्सन की बहुत बड़ी कमी है, योग्यता की बहुत बड़ी कमी है। जनता को भी बजट के अनुसार पुनः अपनी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। चलिए बिल्कुल, जनता को भी जिम्मेदारी, यानी जो किसान है वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे, और लगातार जो किसान है अपनी जिम्मेदारी समझते भी हैं। बजट 2019 जो है वो पेश किया जा चुका है, और इसमें हमारे किसानों के लिए बहुत नई नई सौगातें जो है हमारी सरकार द्वारा लाई गई हैं, और हमारे किसानों के लिए ये किस प्रकार से लाभकारी साबित हो सकती हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी। आइए इनसे जानते हैं बजट 2019 को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे सर आप, इस बजट से हमारे किसानों को कितना लाभ मिल सकता है? किसानों के लिए जो भारत सरकार का बजट होता है, जो 18-19 का बजट करीब 45,000 करोड़ का था, जो अब बढ़ के करीब 1,30,000 के आसपास करोड़ हो जाता है, इसमें जो नई घोषणा की, मैं उसके बारे में विस्तार से बता दूं, बहुत संक्षेप में बता दूं, रेदर एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करके घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि 6,000 रुपये का विश्वास किसान के मन में रहे कि निश्चित आय हमको सीधे हमारे खाते में प्राप्त हो जाएगी, और धनराशि भी सीधे भारत सरकार से किसान के खाते में ट्रांसफ़र होगी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि किसानों की सूची, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम है, उसकी सूची तैयार कर लें, और सूची जैसे हमारे डाटा में अपलोड होगी तो एक निश्चित आय किसी के मन में हो जाता है कि इतनी आय तो मिलनी है, तो निडर होकर अपने निवेश कर सकता है, अपनी चीज़ें ले सकता है। उस दृष्टि से इसकी वैसी घोषणा की गई है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंग यह है कि जो किसान कर्जे में होते थे, करीब आज की तारीख में 7 करोड़ किसान को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिलता है, और ये बैंकों के माध्यम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिलता है जो 4% पे मिलता है करीब, और बाज़ार की दर से, और उसकी दर में 4% बहुत कम होता है। जो आधे किसान इसके क्षेत्र में नहीं हैं वो इस दायरे में आ पाएँ, इसके लिए आगे पूरी व्यवस्था की जा रही है, एक पूरा अभियान चलाया जाएगा।
बैंकों से बात की जाएगी और बैंकों से बात करके ऐसा किया जाएगा किसान को लगे कि हाँ मुझे आसानी से उसको स्वागत के रूप में कर्ज़ा मिल रहा है। और ज़ाहिर है करीब आधे किसान जो 7 करोड़ किसान होते हैं वो साहूकारों के स्थान पर अंशोत्र के माध्यम से अगर 4% का लोन लेंगे तो निश्चित तौर पर इसका निवेश जब कृषि क्षेत्र में होगा उसका बहुत आयाम बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भी बास्ट में देखा गया जब गंभीर ड्राउट पड़ता है, गंभीर आपकी सब पड़ते हैं तो किसान का जो ऋण होता है जो बैंकों के दायरे में है उसको बैंक पुनर्निर्धारण करती हैं। अभी तक व्यवस्था ये थी जब पुनर्निर्धारण होता है कि पहले वर्ष में सिर्फ 2% छूट मिलती है और दूसरे वर्ष से बैंक स्वतंत्र है कितना भी ब्याज लगा सकते हैं। तो जाहिर है किसी का 1 लाख का लोन था, 20-20 हज़ार की 5 किस्तें बनी तो जो बाकी 80 हज़ार की किस्तों में 10-12% का ब्याज लग रहा है तो जाहिर है किसान एक चक्र में फंस जाता है कि नया निवेश ना कर पाए। उस दिशा से सरकार ने विचार करते हुए सरकार ने निश्चित किया है और जो घोषणा की गई आज इसका क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से लागू करा देंगे। जब गंभीर आपदा पड़ेंगी जो किस्तें अगर 3-5 वर्ष जितने पीरियड भी होंगी उस पीरियड में ना सिर्फ 2% इंटरेस्ट सर्वेक्षण मिलेगा और अगर समय से भुगतान कर रहा है 3% छूट भी मिलेगी तो मोटे तौर पर 4% का भुगतान कर सकता है। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया है, पशुपालन क्षेत्र में विस्तार किया गया है जो इससे बताया जाएगा। और इसी के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा विचार विमर्श का ये सिलसिला। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बजट 2019-20 पर हम बातचीत कर रहे हैं। गांव और किसान के लिहाज से ये बजट कितना अहम रहा इस पर हमारी बातचीत जारी है। कुछ बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो ढेर सारे किसान भी यहाँ पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि इस बजट से वो उन्हें कितनी उम्मीद है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा और पूरी चर्चा यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई। अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं। मैं त्यागी साहब हमारे साथ हैं। त्यागी साहब मैं आपसे एक जो अक्सर बात यहाँ होती है कि किसान आज तैयार है, वो कहता है मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास सक्षम है, सब कुछ है, मुझे आप एम्पावर करिए ताकि मैं खुद जो बाज़ार के अपने रेट तय करूँ। तो इस पर अभी मुझे लगता है कि और सोचने की ज़रूरत है। बजट ने सारे प्रावधान कर दिए हैं, पैसा भी दिया है, टेक्नोलॉजी भी दी है, सब दिया है। बाजार में जो सुधार है, किसान भाइयों को आपका क्या सुझाव है कि इस बदलती हुई दुनिया में वो कैसे बाजार का फायदा उठा सके? देखिए इनसे जो आपको कराना था आपने करा लिया। मुझको वो जमाना याद है जब पीएल 480 का अमेरिका का गेहूं आता था, क्या बोलते थे गांव में उसको, नरमा रोजा, ये भी खाया उन्होंने उस समय। आज की तारीख में मैं एक उसका चेयरमैन रह चुका हूँ अटल जी के समय, एक कॉरपोरेशन का। इस समय हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, इस समय हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गन्ने का गुड़ का उत्पादक है, इस समय किसान जो है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है। तो ये तो जितना करना था कर लिया इन लोगों, दूध का उत्पादक इन्होंने, दूध का उत्पादक है। लेकिन अभी हमारे देश की 50% भूमि भी सिंचित नहीं है। मैं चाहता ये हूँ कि एक योजना ऐसी बन जाए, एक बजट ऐसा बन जाए कि पूरी की पूरी कोई गांव ना बचे जो बगैर इरिगेशन के हो। जिस दिन ये हो जाएगा पूरी दुनिया को फिर खिलाना शुरू कर देंगे। एक काम ये करा दीजिए। दूसरा, आज जो इस बजट के जरिए शुरुआत हुई है ये यहीं समाप्त नहीं होना चाहिए। जी आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जैसा त्यागी जी ने कहा कि जानकारी पहुंचनी चाहिए किसानों तक, आपका जो अनुभव रहा है पत्रकारिता में और बाकी जगह पे, तो इसके लिए अब हमें क्या प्रयास, डीडी किसान जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं किसानों तक बात जा रही है, आने वाले दिनों में भी जाएगी, और हमें ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए ताकि जो सरकार ने घोषणाएं करी है किसानों के हित में वो किसानों तक पहुंचे और सही रूप में पहुंचे, आपका कोई सुझाव? सुझाव ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं कि किसी के पास नहीं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। मौसम देखिए जो जो टेलीकॉम रिवोल्यूशन आया इंडिया में, रिवोल्यूशन वर्चुअल रिवोल्यूशन आया, तो उसको
उसको हर इंसान को टच किया है ये रिवॉल्यूशन, स्मॉल मार्जिनल सब फार्मर्स को, उसको ज़्यादा उसके करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अभी अब देखोगे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे कंपनीज काम कर रही है कि एग्रीकल्चर में हाउ टू यूज़ स्मार्टफोन्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। बहुत सारे कंपनी ऐसे है कि क्रॉप डेटा भेजते हैं, द स्टेजेस ऑफ क्रॉप कहते हैं, तो उसको व्यापक तरीके यूज़ करने की ज़रूरत है एंड इट टू गो डायरेक्टली टू द फार्मर्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। चलिए चर्चा के आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं और अभी सब मेहमानों से मैं एक एक संक्षेप में टिप्पणी लेना चाहूंगी। न्यू इंडिया, नया भारत बनाने की बात कही जा रही है, ये बजट उस रास्ते पर किसानों को खासतौर पर गांव को किस तरह से मजबूत करके ले जाएगा, इस पर आप सबकी एक एक करके टिप्पणी मैं लूंगी। प्रकाश जी आपसे शुरू करते हैं। इस सारे चर्चा से एक चीज जाहिर है, चाहे वो बात 6000 की हो कुछ हो, जो एक एक्सपेक्टेशन लेवल है किसानों का, उसमें इन्फॉर्मेशन का भी बहुत रोल है, हमारे पॉलिटिशियंस का, मीडिया का, सबका रोल है। एक्सपेक्टेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि इस सरकार, आने वाली सरकारें, कोई भी सरकार हो, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा इनकी बात सुनना। जी यही मेरे जिम्मे। बिल्कुल हरिनाथ सिंह यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं जी, और उसमें से नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है जी। वो स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से उलट रही है। अभी 4-5 योजनाओं का मैं नाम आपको बोल रहा हूँ कि जितना पैसा यानी 1 रुपया पहुंचा तो नीचे तक 1 रुपया गया है जी। तो टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर किया टेक्नोलॉजी है तो हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं। एक बात भारत भूषण जी को बीच में लेना चाहूंगा, सर आपकी तरफ से क्या सुझाव है हमारे देश के किसानों को, क्योंकि आपको तो राष्ट्रीय सम्मान मिला है, आपके प्रयास से आपने जो किया है उनको देखें आप और इस तरह से बताएं कि हमारे किसान को क्या करना चाहिए, आपका मैसेज क्या है? ये बजट ही दो धारा से बहरा है, एक तो राहत पैकेज है और एक गांव को स्वावलंबी बनाने का एक दृष्टिकोण है। तो ज़्यादातर जितना भी लाइन डिपार्टमेंट हैं या राज्य सरकारों की भूमिका है, यदि वो स्वावलंबी व्यवस्था को किसानों तक सीधे सीधे नहीं पहुँचाएंगे तो जो अभी पहले बात कही थी कि अपेक्षाएँ बढ़ी हुई हैं, आगे संघर्ष बढ़ जाएगा। तो तरीका यह है कि बजट को सही ढंग से हम धरातल पर उतार दें और उसके दोनों पक्षों को जनता को बताएं। किसानों के लिए क्या मैसेज है, किसानों के लिए इसका फायदा उठाएं, मैसेज क्या देना है किसानों के लिए? मेरा मैसेज यही है कि अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और संगठित प्रयास के रूप में जो हम उत्पादन से बाजार तक जा सकते हैं, और गेहूं गन्ना धान के अलावा वो हमारे पास बहुत सरप्लस है, अब हमें और भी तरीके खोजने होंगे जिनके द्वारा हम अपनी रूरल इकोनॉमिक्स को बढ़ा सके। मल्होत्रा साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आप एज ए वैज्ञानिक है इस देश के नीति निर्माताओं में है, क्या आपका मैसेज रहेगा भारत के किसानों को संक्षिप्त आधा मिनट में? मेरे तो यही मैसेज है जो मैं किसानों को देना चाहूँगा कि किसान अपना एक योजनाबद्ध तरीके से चलें, और बहुत सारे किसान अपने तरीके से कर भी रहे हैं लेकिन उनका जो मार्केट है, मार्केट को पहले से तलाशें और अपना नज़रिया हमें बदलना होगा, क्योंकि एक जो समय है वो बदल रहा है, उस समय के अनुसार जो है हम लोगों को भी ढलना होगा। नई तकनीक को जो है पहले से ही हम अपने आप ही उसकी जानकारी पहले से जुटा करके योजनाबद्ध तरीके से हम लोग उत्पादन करेंगे, और मार्केट को जो है फोकस में रखते हुए कि हम केंद्र बिंदु में रखते हुए अगर हम उत्पादन करेंगे और भारत सरकार द्वारा जितनी भी चलाई गई योजनाएं हैं उनका जो है भरपूर फायदा उठाए और इस तरह की पूरी जानकारी एकत्र करके अगर आप उत्पादन करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। डॉक्टर ए के सिंह क्या कहेंगे, कई किसानों ने जानकारी के अभाव की बात कही, बताएं उन्हें कि किस तरह से वो जानकारी इकट्ठा करें और इस बजट का लाभ लें। देखिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, हर जिले में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं और वहाँ पर 6 से 7 वैज्ञानिक हैं, फार्म है जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई है और कुछ किसानों के यहाँ भी टेक्नोलॉजी के मॉडल्स बनाए गए हैं, तो उन मॉडल्स का अनुकरण करें, बाजार का ध्यान रखें जैसे डॉक्टर मल्होत्रा जी कह रहे हैं, इन दो विषयों का समावेश रखेंगे तो जरूर फायदा होगा किसानों को। बिल्कुल, मैं भी वही बात दोहराना चाहूंगी जो श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये अंतरिम बजट नहीं है बल्कि देश के विकास के राह का ये माध्यम है, और जो चर्चा यहाँ पर हुई है बहुत सारी बातें सभी किसानों ने यहाँ पर सुनी है और बजट में भी देखा है कि किस तरह से सरकार का ध्यान पूरी तरह से किसानों और गाँव को समृद्ध करने पर है, तो वो भी इस राह पर जरूर चलेंगे और न्यू इंडिया का जो सपना देखा जा रहा है उस सपने को जरूर साकार करेंगे। और जाते जाते सभी किसानों से मैं पूछना चाहूंगी कैसा लगा आपको बजट, अगर अच्छा लगा है तो हाथ उठाइए, कितने लोगों को अच्छा लगा है ये बजट? बिल्कुल, तो सभी किसानों को यहां पर अच्छा लगा है तो एक जोरदार ताली इस बात पर जरूर होनी चाहिए, सरकार जिस तरह से ध्यान दे रही है गांव और किसान पर।
जी हाँ, तो न्यू इंडिया की ये तस्वीर है। गांव बदल रहा है, गांव बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश को उन्नति की राह पर आगे ले जाने के लिए गांव को समृद्ध करने की जरूरत है, जिस पर पूरा पूरा ध्यान केंद्र सरकार का है। और जो अंतरिम बजट 2019-20 है वो जरूर इस राह को और पुख्ता करेगा गाँव और किसानों के लिए। बजट 2019 में पशुपालन के क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन विभाग के सचिव तरुण श्रीधर जी मौजूद हैं। आइए इनसे हम बातचीत कर लेते हैं बजट 2019 के बारे में। तो तरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये जो हमारा बजट 2019 है हमारे पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित होगा। इस वर्ष के बजट में पशुपालन डेयरी और मत्स्यिकी विभाग से जुड़ी हुई तीन बड़ी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, तीन बड़े निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय है ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना करना। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य होगा जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और जो हमारा गोवंश है उसका किस प्रकार संवर्धन किया जाए, किस प्रकार उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, किस प्रकार से डेयरी क्षेत्र में हमारे जो देसी नस्ल के गोवंश है इसका अधिक योगदान सुनिश्चित किया जाए, इस बारे में नीति निर्धारित करना और हमें समय समय पर क्या योजनाएं होनी चाहिए उस बारे में एक प्रोफेशनल एडवाइस देना। इस समय यदि आप देखें जो हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सिंगल बिगेस्ट कमोडिटी जो है वो दूध है, डेयरी उत्पाद है। डेयरी उत्पाद का जो कुल मूल्य हमारे इसमें लगभग 6 लाख करोड़ के करीब है, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेक्टर्स भी है एग्रीकल्चर में। तो इसमें जो हमारा स्थानीय और इंडिजिनस ब्रीड्स हैं इनका योगदान कैसे किया जाए, इनकी कंजर्वेशन कैसे की जाए, इसके लिए आयोग की स्थापना की गई है। दूसरी जो बड़ी घोषणा की गई है और जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा है ये अब पशुपालन गतिविधियों के लिए, डेयरी गतिविधियों के लिए और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए भी इसका विस्तार किया जाए। इससे पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट सबवेंशन की जो सस्ते दर पर ऋण की सुविधा थी वो केवल मात्र फसलों के लिए दी जाती थी, अब जो डेयरी पशुपालन और मत्स्य की गतिविधियां हैं इसके लिए भी ये सुविधा प्रदान की जाएगी। और तीसरा एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय वो ये है कि मत्स्य पालन को इस विभाग से अलग करके एक स्वतंत्र विभाग जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि मत्स्यिकी और मत्स्य पालन की एक अपना ही एक उसका एक कैरेक्टर है, अपना ही एक स्ट्रक्चर है और अपनी ही एक चुनौतियाँ और समस्याएं हैं, तो इसके लिए अलग विभाग बनेगा। तो मैं समझता हूँ जो हमारा मासिक क्षेत्र है इसको अधिक फोकस मिलेगा, क्योंकि इस समय हमारी सारी एग्रीकल्चर बास्केट में जो सिंगल बिगेस्ट कमोडिटी जो एक्सपोर्ट की है वैल्यू टर्म्स है वो फिश है। 47,000 करोड़ की मछली जो है हम इसका निर्यात करते हैं और 8% की दर से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें आजीविका के लिए निर्भर करते हैं। तो कई राज्यों में ये स्वतंत्र विभाग है तो यहाँ भी ये स्वतंत्र विभाग बनेगा, तो मैं समझता हूँ इसमें विकास की गति को और ज़्यादा तेज़ी मिलेगी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें हमने बजट 2019 में हमारे गांव के विकास और साथ ही साथ हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उन्हें बारीकियों से जाना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, विचार विमर्श करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।